फ्रेंड्स, मैं हूं शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा MIUI 10 ग्लोबल स्टेबल वर्जन आ गया है, तो फिर इस अपडेट के बाद फोन कैसे चल रहा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आपको पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में अबाउट फोन में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मेरा अभी MIUI 10.1 स्टेबल वर्जन आ गया है, MIFI। ठीक है, तो फिर आपको भी अगर अपडेट करना है तो फिर सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन सेक्शन में यहाँ पर सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो MIUI 10 वर्सन है अपडेट कर लेना है। तो फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से शो हो रहा है अभी MIUI 10, जो पहले MIUI 9 था। ठीक है, तो फिर इस अपडेट के बाद फ़ोन कैसे चल रहा है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फिर देख लीजिए, अपडेट के बाद फ़ोन का जो आइकन है, ऐप आइकन चेंज पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ठीक है, तो फिर आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर ऊपर में नोटिफिकेशन बार भी देख लीजिए, इस तरीके से चेंजेस हो गया है। तो फिर आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो फिर इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो फिर बहुत इजी एंड फास्ट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम इशू मुझे नहीं आ रहा है, गर्मी हीटिंग का कोई इशू नहीं है इस अपडेट के बाद। ठीक है, तो फिर देख लीजिए, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाने के बाद ये सिक्योरिटी जो है पूरी तरीके से पहले जो था पहले से पूरा चेंजेस हो गया है। कुछ इस तरीके से आपको सिक्योरिटी जो है अब मिल जाएगा, इस तरीके से क्लीनर जो पहले था बिल्कुल अलग था। इस अपडेट के बाद आपका जो सिक्योरिटी है पूरी तरीके से इस तरीके से चेंज हो गया, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रिसेंट बटन पर जाओगे तो फिर इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है, इस तरीके से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर इसको राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करोगे तो फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखने में भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो फिर आप जो पहले MIUI 9 पे आप किसी भी ऐप पर क्लिक करते हो रिसेंट ऐप पर तो फिर ओपन नहीं होता था, तो फिर इस अपडेट में वो फिक्स किया गया है। तो फिर देख लीजिए, बहुत जल्दी ओपन हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा है। या फिर आप इसको टैप एंड होल्ड कीजिए इस तरीके से, उसके बाद आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाता है, या फिर आपको सेटिंग आइकन भी मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो फिर ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। या फिर आपको यहाँ पर फिर से कॉल करके आप मिडिल में जो स्प्लिट स्क्रीन भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो फिर देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो साउंड का बटन था पहले जो प्रॉब्लम हो रहा था, अभी देख लीजिए फिक्स किया गया है, अभी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर आप इस तरीके से आपको साउंड का बटन क्लिक करके नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से आप चेंज करोगे, ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिर आपका साउंड जो है कभी लो कभी हाई होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑटो ब्राइट लेवल को भी इस तरीके से हाई लो कर सकते हो। ठीक है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 3D टच के जैसा, आईफोन के जैसा जो होता है आईफोन में, इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जो म्यूजिक ऐप है, म्यूजिक ऐप का आइकन भी चेंज किया गया है। तो फिर देख लीजिए, यहाँ पर म्यूजिक ऐप जो पहले से चेंज किया गया है, मी रिमोट भी चेंजेस किया गया है। नोट पर भी आप जाओगे तो फिर नोट पर भी बहुत सारे चेंजेस मिलने को मिलेगा। यहाँ पर आपका कॉल रिकॉर्ड के जैसे ऑटोमेटिक यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, आपको मुंह में बोल के आप कुछ भी नोट तैयार कर सकते हो, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर इतने में भी अच्छे लग रहा है। और कैलेंडर में जाइएगा, कैलेंडर में देख लीजिए जो इंटरफेस है बहुत चेंजेस हो गए हैं MIUI 9 से MIUI 10 जो है, बहुत चेंजेस है। तो फिर यही अपडेट है, अपडेट में आपका नया नया साउंड का फीचर्स भी मिलेगा। तो फिर आप अगर किसी को डिलीट करोगे किसी पिक्चर को या फिर वीडियो को, तो फिर आपको सिस्टम साउंड जो है मिल जाएगा। सिस्टम साउंड को आप ऑफ भी कर सकते हो, सिस्टम साउंड को ऑफ करने के लिए सिस्टम साउंड अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो फिर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट साउंड का बटन जो है ये ऑन रहता है, तो फिर इसे इस तरीके से ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।